सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होंगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। मेरे पास ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, यहाँ से गाइस आपको फोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है जिस फोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो ऐड करने वक्त गाइस आपको एंड में चले जाना है, ये ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी फ़ोटो कितने सेकंड की है। जैसे ये 3 सेकंड की है तो गाइस आपको इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है खींच कर। कितनी बढ़ानी यहाँ पर गाइस मैं आपको बढ़ाने के बाद दिखा देता हूँ। गाइस आपको अपने फ़ोटो की लेंथ करनी है 6.63 की, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इसे कर लेता हूँ 6.63 की, ठीक है। स्क्रीन पे यहाँ पर साइड में टच करके ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पहले गाइस आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर गाइस आप वीडियो सेव नहीं करोगे पहले और आपकी वीडियो में स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, फिर गाइस आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर गाइस आपको बड़े वाले प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करना है, जो वीडियो गाइस आपने सेव करी उसी को आपको लेना है। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपने जो फर्स्ट में फ़ोटो लिया था उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर शुरू में आना है, यहाँ से आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस आपको अपने म्यूज़िक पर ये 9 बीट्स लगा लेनी है। 9 बीट्स लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगी। बीट गाइस कम है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता वीडियो में, लेकिन अभी कम बीट है तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखकर अपने म्यूज़िक में बीट लगा लेना। गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 1.24 पर, सेकेंड बीट 1.55 पर, थर्ड बीट 2.29 पर, फोर बीट 2.74 पर, 5 बीट 3.28 पर, 6 बीट 3.87 पर, 7 बीट 4.53 पर, 8 बीट 5.25 पर, 9 बीट 5.93 पर, ठीक है। अगर गाइस आपको बीट टाइम बताना मेरा फास्ट लगा हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो ऊपर सेटिंग में जाके, या आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। बीट टाइम लगाने के बाद आपको दो बार राइट कर देना है। अभी गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, सेकंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, फोर पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस आपने जितनी बीट लगाई है आपको हर एक बीट पर टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। अभी गाइस आपको एक काम और करना है, वो काम आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको मैं बीट के थ्रू बता देता हूँ आपको कहाँ तक करना है। फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर बीट, आप ये 4 बीट देख रहे हो, आपको इस 4 बीट तक ये बारीक बारीक स्प्लिट लगाने हैं। अगर मैं आपको बीट के थ्रू बताता तो कम से कम इसमें 50-60 बीट लग जाती तो आपको परेशानी होती, तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। आपको बीट लगानी नहीं पड़ेंगी इतनी ज़्यादा, जो बस जो मैंने बताया आप वही लगाना। यहाँ पर देखिएगा, इस पहले आपको फुल जूम कर लेना है इसके लेयर को। नीचे आप स्प्लिट का ऑप्शन देख रहे हो, थोड़ा सा आगे चलोगे ये शो हो जाएगा, आपको स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा आगे मत जाना गाइस, क्योंकि आपको इसमें बारीक बारीक स्प्लिट लगाने हैं। जितने बारीक मैं लगा रहा हूँ आप इतने बारीक लगाना, ठीक है। या आपको बारीक बारीक स्प्लिट ना ये वाले फ़ोटोज़ में लगाने, कौन कौन से मैं आपको फ़ोटो के थ्रू भी बता देता हूँ। फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको लगाने हैं, सेकेंड फ़ोटो में आपको लगाने हैं और थर्ड फ़ोटो में आपको लगाने हैं और फोर्थ फ़ोटो में आपको लगाने हैं, ठीक है। कहाँ तक है मैं आपको बीट के थ्रू बता, फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट, फोर बीट, यानी कि गाइस आप 4 बीट है ना, इससे पहले पहले गाइस आप ये स्प्लिट कर लेना है। 4 बीट से पहले जितने भी फ़ोटोज़ आपके 4, आपको सब में बारीक बारीक स्प्लिट लगा लेने मिलाकर,
ठीक है। स्प्लिट लगाने गाइस, लगाने के बाद आपको इसमें एफएक्स लगाने, एफएक्स गाइस आप कौन से लगाओगे गाइस, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख लिए, क्योंकि गाइस उसमें अगर मैं आपको ऐसे एक एक लगा के दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आपकी समझ में भी नहीं आता, तो मैंने इसमें इफेक्ट लगा के रख लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से इफेक्ट्स लगाने हैं, बस गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है तभी आप अच्छे समझ पाओगे। यहाँ पर गाइस आप, मैं पहले बारीक बारीक फ़ोटोज़ की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 4 बीट तक गाइस देख, तो ये मैंने बारीक बारीक फ़ोटोज़ सब कर लिए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, ये आपकी जो फर्स्ट वाली बीट है ना, इससे पहले आपको क्या करना है ये बता देता हूँ। इतना जूम करा, इतना जूम करा, इतना जूम करा, इतना जूम करा, स्क्रीन पे टच करके आपको जूम करने हैं और इधर आधर भी आप रख सकते हो, ठीक है। इतना जूम करा, इतना जूम करा, इतना जूम, इतना नॉर्मल रखा, ठीक है। आप इसमें बीच में एक आध फोटो नॉर्मल रख लेना, बाकी फ़ोटो आप इसमें जूम करना, नॉर्मल रखना, मतलब जूम करना, मिरर करना, साइड को करना, इस तरीके से गाइस आपको कर लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने इतना जूम करा है, ये मैंने इतना जूम करा है, ये इतना जूम, ये इतना जूम, इतना जूम, फिर मैंने इतना जूम, फिर मैंने नॉर्मल फ़ोटो रख दिया यहाँ पर, फिर इतना जूम, मिरर वगैरह, फ्लिप वगैरह आप कर लेना, मिरर का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा ये, ठीक है। मिरर, नॉर्मल, जूम, इस तरीके से गाइस आपको करना है फर्स्ट वाली बीट से पहले पहले, कोई फ़ोटो मिरर, कोई फ़ोटो जूम, ठीक है, कोई फ़ोटो। अब क्या करना है, बीट के बाद वाले फ़ोटोज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आपको जूम नहीं करना है, ये नॉर्मल फ़ोटो है, इससे अगला वाला मिरर करना है, फिर नॉर्मल, फिर मिरर, फिर नॉर्मल, ठीक है। मिरर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा बीट के बाद जो है, फिर इससे अगली वाली बीट में आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो फ़िलिप, एक नॉर्मल, एक फ़िलिप नॉर्मल, एक फ़िलिप नॉर्मल, एक फ़िलिप, एक नॉर्मल, एक फ़िलिप, एक नॉर्मल, एक फ़िलिप, एक नॉर्मल, ठीक है, ये वाली बीट के बाद। अब आपका ये लास्ट वाले फ़ोटो आते हैं बारीक वाले, ये वाली बीट के बाद, थर्ड बीट के बाद, तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इतना जूम, जूम करके मिरर कराए, फिर नॉर्मल, फिर जूम करके मिरर कराए, नॉर्मल, मिरर करने के बाद जूम कर लेना, फिर नॉर्मल, ठीक है। अभी गाइस आपके बड़े वाले फ़ोटोज़ आएंगे, आपको इनमें क्या करना है वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको शुरू में आ जाना है, यहाँ पर मिलेगा आपको इफेक्ट्स। फर्स्ट वाले फ़ोटो में गाइस आपको जिटर डाउन लगाना है, सेकेंड में आपको जिटर डाउन लगाना है, ग्रीन बॉर्डर फुल कर देना है, ठीक है। थर्ड में आपको जिटर डाउन लगाना है, फोर में आपको जिटर डाउन लगाना है, ग्रीन बॉर्डर आपको सबको फुल करना है, फाइव में आपको जिटर डाउन लगाना है, सिक्स में आपको जिटर डाउन लगाना है। ये मैंने काउंट यहाँ से करें, सिर्फ आपको ये बारीक वाला फ़ोटो, एक काम करता हूँ गाइस, ये बारीक वाला फ़ोटोस ना जितने भी मैंने स्प्लिट करें, ये मान लो आप पूरा एक फ़ोटो है, ठीक है, आपको बताने के लिए कर देता हूँ मैं। फर्स्ट फ़ोटो, सेकंड, सेकंड में जिटर डाउन, सब में आपको जिटर डाउन लगाना है, ठीक है, बारीक वाले फ़ोटोज़ को छोड़ के। अब आपको दूसरे तरीके का इफेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर गाइस, में आपको कौन से लगाने हैं, देखिए यहाँ पर आपका ये बारीक बारीक फ़ोटोज़ के बाद जो फ़ोटो आएगा, नॉर्मल रखना है, या आपको इतना जूम करके मिरर करना है, ये नॉर्मल रखना है, ये इतना जूम करना है, ये नॉर्मल रखना है, ये इतना जूम करना है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस आपको, इसमें मैं आपको एक तरीके का इफेक्ट और बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर ये आपके प्लस आ रहे होंगे बहुत सारे, किसी भी एक प्लस पे क्लिक करके जूम वाले इफेक्ट लगा के ड्यूरेशन आपको इसकी फुल करनी है और नीचे अप्लाई टू ऑल कर देना है, सारे फ़ोटोज़ में आपकी एक ही बारी में लग जाएगा। अभी गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। गाइस यहाँ से जब आप वीडियो सेव करोगे ना, तो आपको लास्ट में इसमें एक इफेक्ट और लगाना है इंस्टाग्राम से, वो इफेक्ट कौन सी वीडियो पर कैसे कौन सा लगाना है, जो वीडियो गाइस मैंने आपको शुरू में प्रीव्यू में दिखाई थी ना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो में जाने के बाद आप लगा लेना। अगर गाइस आपसे बाई चांस लगाना नहीं आता, तो गाइस उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि वीडियो में फ़िल्टर कैसे लगाएं, वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर अपनी वीडियो में फ़िल्टर लगा लेना। अब गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना, आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज़ रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।